व्हाट्सअप एवरीबडी, वेलकम टू माई चैनल डियर राइडिंग ब्लॉग। तो फाइनली वेट इज ओवर। आज सबकी डिमांड के बाद मैं अपनी बाइक को लेके आया हूँ, ब्लैक मोंग को, जो कि इसका नाम है यामा R15 V4 डार्क नाइट एडिशन। तो मैं आज इस बाइक को लेके आया हूँ, इसके बारे में बताना है कि इसकी डाउन पेमेंट क्या हुई, इसकी EMI कितनी हुई, इसकी टेनर कितनी हुई, ऑल डिटेल, मतलब जितनी भी इसकी पेमेंट डिटेल है, उस सबकी पेमेंट की डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहे तो आपको पूरी डिटेल पता लग जाएगी। अगर आपको एक बाइक लेनी है तो उसके लिए क्या डाउन पेमेंट करनी है, जो भी करना है वो आपको सीधा सीधा इस वीडियो में दिखता जाएगा। बस इस तरह वीडियो में बने रहते हैं। तो आप सब वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो इस वेरिएंट में है, कम से कम हमारे पास चार कलर आते हैं। एक पहला होता है हमारा मेटेलिक रेड होता है, और एक हमारा होता है डार्क नाइट, दूसरा हमारा होता है रेसिंग ब्लू, और एक हमारा होता है सिल्वर कलर में। सिल्वर कलर तो थोड़ा अपर साइड का थोड़ा महंगा होता है, उसमें क्विक शिफ्टर होता है, और रेसिंग ब्लू में भी शायद क्विक शिफ्टर होता है, बट मेटेलिक रेड और डार्क नाइट में हमें क्विक शिफ्टर नहीं मिलता। हाँ, बट ऑप्शन मिलता है कि हम अगले से लगा सकते हैं। तो देखो, जो सबसे सस्ती बाइक जो है हमारी, वो हमारी मेटेलिक रेड आती है, उसके बाद हमारी जो डार्क नाइट आती है, जो थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है 2-3 हजार रूपये, उसके बाद जो हमारा तो और प्राइस बढ़ता है 2-3 हजार रूपये, हमारा सिर्फ रेसिंग ब्लू में पड़ता है, और सीधा सीधा जो ऊपर हमारे अपर मॉडल, मतलब जो महंगा मॉडल है, वो हमारा सिल्वर कलर वाला। तो मैं इसकी पेमेंट डिटेल बता देता हूँ। देखो भाई, अगर तुम्हें ये वाली यामा V4 जो लेनी है, तो इसके लिए मिनिमम आपको कम से कम 50 या 60 हजार या मिनिमम 45 हजार की आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, और बाकी का आपको लोन हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपको कौन सी कंपनी से लोन मिल रहा है। ठीक है, लोन लेने के लिए भी आपका वो देखा जाता है क्रेडिट स्कोर कितना होता है। मेरा क्रेडिट स्कोर 0 था, तो मेरे को हिसाब से लोन लेने में काफी दिक्कत हुई थी। अगर मैंने पहले कभी लोन ले रखा हो, उसको टाइम टू टाइम पे कर रखा हो ना, तो हिसाब से मुझे लोन जल्दी मिल जाता। मैं दिखा देता हूँ इसकी जो डिटेल है पूरी बना के लाया हूँ, कि मैंने क्या क्या करा क्या क्या नहीं करा, तो हमको एक बार दिखा दो। देखो R15 V4 डार्क नाइट एडिशन, इसका वैसे डार्क नाइट एडिशन है, लेकिन मेरी इसका जो नाम है, नाम रखा है ब्लैक मोंग रखा है। देखो, एक जो एक्स शोरूम प्राइस है ना इसका, वो इसका 2060607 है, जो कि हर, मतलब हर किसी भी स्टेट में इतना ही इसका प्राइस रहता है। ऑन रोड प्राइस मैं आपको दिल्ली का बता रहा हूँ, बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। ऑन रोड जो प्राइस है इसका 215,000 है, 215,000 या 214,000 है, ऐसे 1 अप्रैल के बाद ना इसके एक्चुअली क्या था, रेट बढ़ गए थे, 215,000 की मेरे को शायद मिली थी। देखो, मैंने इसकी जो डाउन पेमेंट की थी ना, इसकी डाउन पेमेंट की थी मैंने 46,000, और मेरा इंटरेस्ट रेट पड़ा था 11.75 मेरा इंटरेस्ट रेट पड़ा था, और इसकी जो EMI थी वो मेरी बनी है 6352 इसकी EMI बनी है, और जो टेनर है इसका, जो मतलब टेनर होता है कितने मंथ के लिए बनवाई है मैंने, तो मैंने 3 साल के लिए बनवाई है, इजिकल टू 36 मंथ, और जो मेरे को टोटल ये बाइक पड़ी है वो 274,672 रूपये की पड़ी है। देखो, जो मेरा लोन हुआ था वो IDFC फर्स्ट कैपिटल से हुआ था। आप देखो, अब जिस मर्जी से लोन करा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या, सबके ना रेट महंगे महंगे होते हैं, तो मैंने IDFC फर्स्ट बैंक से, फर्स्ट कैपिटल से कराया था, तो मेरा लोन थोड़ा इंटरेस्ट रेट सस्ता पड़ गया था। बाकी आप देखो, अगर आप दूसरी होम क्रेडिट से आते हैं, तो होम क्रेडिट के जो इंटरेस्ट रेट है ना, काफी महंगा है, तो आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं मानता हूँ ये बाइक मेरे को, आप देख लोगे 274,000 इतने में तो काफी दूसरी बाइक आ जाए, बट यार एक्चुअली क्या है, मेरे को जो मैंने डाउन पेमेंट की थी ना, वो मैंने देखो 46,000 की थी। अगर आप डाउन पेमेंट ज्यादा करते हैं और जो ट्रेनर है 36 मंथ का, इसको कम रखते हैं ना, तो आपके जो टोटल जो अमाउंट है 274,000, ये और भी कम हो सकता है। बाकी आपको ये चीज डाउन पेमेंट बढ़ानी होगी, और अपने टेनर है 36 मंथ का, इसको कम करना पड़ा होगा, तो आपकी जो टोटल अमाउंट है 274,000, ये 250,000 भी हो सकता है, 230,000 भी हो सकता है। बाकी आप देखते हो, या तो कैश में खरीद सकते हैं, लेकिन अगर भाई जिनको डाउन पेमेंट के लिए खरीदना, तो वो क्या कर सकते हैं। देखो, मेरे पास इतना बजट नहीं था, मेरे पास इतना अफोर्ड नहीं था कि मैं इस बाइक को पूरे कैश पेमेंट में ले सकूं, इसलिए मैंने डाउन पेमेंट की थी। डाउन पेमेंट पहले मैं 40,000 करा था, बट उन्होंने कहा 40,000 बहुत कम हो जाएगी, 40,000 अगर करोगे तो आपका लोन भी पास नहीं होगा, तो मैंने कहा यार फिर काम करो, जैसे तैसे जुगाड़ करके मैंने 6,000 रूपये इकट्ठा किए। एक्चुअली क्या, मैंने इसको 2,000 रूपये एक्स्ट्रा और दिए थे, वो इसलिए कि थोड़ा जो लोन वगैरह का प्रोसेस होता है, उसमें भी प्रोसेसिंग फी वगैरह लगती है। तो देखा जाए तो 46,000 तो मैंने डाउन पेमेंट की थी, बाकी के 2,000 या 1,500 समथिंग कुछ लगे थे हमारे लोन के प्रोसेस में लगे थे। ठीक है, तो टोटल मान लो 46, 47, 48 हजार लगे थे टोटल। ठीक है, डाउन पेमेंट की, उसके बाद जो मेरी EMI बनी 36 मंथ की बनी है। देखो बाकी, अगर तुम्हें बाइक अगर ये लेनी है, तो या तो पूरी कैश में ले लो, लेकिन अगर तुम्हें लोन पे लेनी है, तो यार डाउन पेमेंट थोड़ी ज्यादा करो, ताकि तुम्हें सस्ती पड़े। देखो भाई, काफी लोग ना जो मेरे को मिलते हैं, तो मुझसे पूछते हैं यार तूने 274,000 की काफी महंगी ली, इतने में तो KTM 250 आ जाती, या को आप कोई भी दूसरी कंपनी की ले लेता, H-Q1 ले लेता या GT Continental ले लेता। मैंने कहा भाई देखो, इतना मेरा अफोर्ड नहीं कर पा रहा था कि मतलब इतना मैं डाउन पेमेंट ज्यादा कर सकूं, तो इस चक्कर में मैंने इसको ये बोला। और वैसे भी यार ज्यादा ना, ये मॉडल जो है ये काफी फेमस मॉडल है, और काफी अच्छी एवरेज में देता है, तो इस चक्कर में मैंने यार इसको थोड़ा
अपना लव मतलब एक तरह से मेरे को सबसे फर्स्ट चॉइस मेरी यही थी। मैंने कहा यार यही लेना तो यही है, क्योंकि सबसे अच्छी और सबसे तेज जो भक्ति है हमारे जो बजट में भक्ति है वो यही होती है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम होती है और ऊपर से इतना मेंटेन भी करके रखनी पड़ता है। और वैसी लुक तो देखते हो यार तुम इसकी, कितनी सेक्सी लुक होती है। रात में अगर तुम अपनी राइडिंग गियर वेयर पहन के अगर इसको चलाओ तो यार काफी अच्छी लुक लगती है तुम पे भी। बंदे मतलब आई अट्रैक्शन है, जितने भी लोग के पास से तुम बाइक निकालोगे तो सबकी नजर तुम्हारे पीछे एक बार जरूर जाएगी। तो इस चक्कर में मैंने बाइक को भी लिया। दूसरा मैं लिखा यार मेरे को मेरे बजट में भी थी, ठीक है मैं इसको अफोर्ड भी कर सकता था। मुझे पता है अगर मैं ज्यादा से ज्यादा महंगी बाइक लूंगा तो उसका माइलेज तुम्हें पता ही है, माइलेज का दिक्कत होती है और उसकी सर्विस महंगी होती है। इसकी माइलेज यार काफी अच्छी होती है। देखो मेरे को जब मैं इसको फर्स्ट टाइम इसको लॉन्ग टूर पे लेके गया था ना एक महीने बाद, तो कम से कम मेरे को इसने 56 तो या 57 की माइलेज दी थी हाईवे पे, और स्ट्रीट में तो 30-40 के करीब दे ही देती है। तो इस चक्कर में मैंने इसको अपने फर्स्ट चॉइस मानी। और मैंने ब्लैक की क्यों ली, मैंने रेड क्यों नहीं ली, या कोई शिफ्टर वाली जो हमारी सिल्वर कलर में आती है वो क्यों नहीं ली, यार बस अपना फेमस अपना ब्लैक ही हमको फर्स्ट पसंद आता ज्यादातर, तो मैंने ब्लैक कलर में ले ली। मेटेलिक रेड मेरे को पसंद नहीं आया यार, बाहर कौन कौन साफ करे उसको, हल्का सा गंदा लग जाता है इतने में बुरा लगता है। सिल्वर कलर वाला अपर था वो ज्यादा महंगा था, इस चक्कर में लिया नहीं। वो अलग बात है उसमें क्विक शूटर है, क्विक शूटर क्या इसमें भी लगवा सकते हैं, 10-15 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करो क्विक शूटर इसमें भी लगा लो। बट अपने को क्विक शूटर की आदत नहीं रखनी यार, बिना क्विक शूटर के गाड़ी चलाएंगे ना तो थोड़ा गियरिंग की आदत रहेगी, गियरिंग की आदत होनी भी चाहिए यार क्विक शूटर तो क्या करना है।